हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। 11th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट में आज अपन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एरर, त्रुटि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है इसमें से आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, विशेष रूप से नीट की जो परीक्षा है इसमें आने वाला प्रश्न है वो सीखेंगे। कक्षा 11 के पाठ्यक्रम के आधार पर भी ये अपना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और अक्सर इस त्रुटियों के जो टॉपिक में, एरर का जो टॉपिक है, इसमें ही बच्चे बहुत सारी एरर करते हैं, बहुत सारी त्रुटियां करते हैं। इसलिए गलती ना हो इसके लिए अपने को गलती को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एरर का अर्थ क्या है। आप लोगों ने अपने सामान्य जीवन में देखा होगा कि यदि किसी वस्तु का वजन, द्रव्यमान अपन कहें, यदि वो 5 किलोग्राम और 562 ग्राम है तो आप उसे कह सकते हैं कि सर इसका वजन 5 किलोग्राम है। यानी आपने उस वस्तु के 562 ग्राम द्रव्यमान को यहाँ से हटा दिया है। यदि आप और अच्छे से उसकी वैल्यू बताना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सर इसकी जो वैल्यू है, इसका जो द्रव्यमान है, वो 5 किलोग्राम और 500 ग्राम है। यानी अब आपने पहले की अपेक्षा बहुत शुद्धता से मान बताया है। और यदि कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर 560 ग्राम है, इसका मतलब अब उसने और शुद्धतापूर्वक इसका उत्तर दिया है। और यदि और कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर 5 किलोग्राम और 562 ग्राम है, इसका मतलब अब इसमें और ज़्यादा शुद्धता आ गई है। लेकिन क्या ग्राम के आगे के द्रव्यमान को नापा नहीं जा सकता? क्या हो सकता है कि इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम के बाद में 562 ग्राम और 62 ग्राम के बाद में भी इसका जो द्रव्यमान है वो दशमलव के रूप में हो सकता है? यानी हो सकता है कि आप सब्जी खरीदते समय ये जो दशमलव का द्रव्यमान है इसको महत्व ना देते हों, लेकिन जो एक सुनार है, जो सोने का व्यापार करता है, गोल्ड का व्यापार करता है, वो इसके आगे के द्रव्यमान को भी महत्व देता है। तो कहने का मतलब किसी भी वस्तु के मान को बहुत यथार्थतापूर्वक मान नापने पर उसमें जो त्रुटियों की मात्रा है, गलती की जो संख्या है, वो कम हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास एक घड़ी है, उसमें केवल और केवल घंटे की सुई है। यानी आप उस घड़ी से केवल जो आप लोगों का टाइम है उसको आप सिर्फ और सिर्फ घंटे के अंदर मेजर कर सकते हैं। यदि उस घड़ी में मिनट की सुई भी लगा दी जाए तो अब आप इस टाइम को और अच्छे से नाप पाएंगे। और आप जानते हैं कि इसके अंदर यदि सेकंड की सुई भी लगा दी जाए तो अब आप एक एक सेकंड के समय को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि इस घड़ी में सिर्फ घंटे की सुई ही लगी होती तो आप इस सेकंड के समय को अच्छे तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाते। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंटरनेशनल रेस होती है, दौड़ होती है, उसके अंदर जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है उसके अंदर स्टॉप वॉच होती है। और स्टॉप वॉच जो है वो आपके टाइम को सेकंड के भी 100वें हिस्से को नापता है। यानी अब आपका जो स्टॉप वॉच है वो 1 सेकंड के समय को भी 100 हिस्सों में तोड़ देता है। यानी अब और ज़्यादा शुद्धता आ गई है। तो त्रुटि का मतलब होता है किसी वस्तु के वास्तविक मान को नापना। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक अनाज की बोरी है और उसका वजन, वास्तविक वजन, यानी उसका जो वास्तव में वजन दिया गया है वो वास्तविक वजन उसका 51 किलोग्राम है, 51 kg है। और यदि मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स से उसके द्रव्यमान को नापने के लिए जब कहा तो बहुत सारे बच्चों ने उसका द्रव्यमान 50 किलो बताया, किसी ने 51 किलो बताया, किसी ने 50.5 किलोग्राम भी बताया और किसी ने तो 52 किलोग्राम भी बता दिया। क्या सब बच्चों ने उस द्रव्यमान को मापने में शुद्धता दिखाई है? अलग अलग बच्चों के मापने में अलग अलग त्रुटियां प्राप्त हो रही हैं। अब अपन समझते हैं कि त्रुटि का मतलब क्या है, त्रुटि को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं। वास्तविक वैल्यू जो इसकी थी वो 51 किलोग्राम थी। यदि किसी बच्चे ने इसका वजन 50 किलोग्राम बताया और किसी बच्चे ने इसका वजन 52 किलोग्राम बताया, आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से
किसने त्रुटि नहीं की, वास्तविक वैल्यू से कम वैल्यू बताना भी त्रुटि है और अधिक वैल्यू बताना भी त्रुटिपूर्ण है। तो अब अपन समझते हैं त्रुटि निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो त्रुटि के फॉर्मूले की यदि अपन बात करें तो आपके पास किसी भी वस्तु का रियल वैल्यू होगी, वास्तविक मान आपके पास होगा, और उस वास्तविक मान में से आपने जो ऑब्जर्वेशन के द्वारा या उपकरण के द्वारा कैलकुलेट जो वैल्यू करी है उन दोनों का अपने को डिफरेंस लेना है। जैसे अभी अपन ने जो वस्तु ली थी उसका वास्तविक वैल्यू अपन ने 51 किलोग्राम लिया, किसी बच्चे ने उसके द्रव्यमान को 50 मापा, तो अब आप कहेंगे कि जिस बच्चे ने ये 50 किलोग्राम इसका जो आंसर दिया है उसके कैलकुलेशन में कितनी एरर है। तो आप इसकी वास्तविक वैल्यू 51 और इसमें से मापित वैल्यू 50 दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 किलोग्राम आ जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर दूसरे बच्चे ने इसका जो वजन था वो हमें 52 किलोग्राम बताया, तो जब 52 किलोग्राम बताया तो 51 में से अगेन अपने को अपना फॉर्मूला फिक्स है अपने पास, वास्तविक वैल्यू माइनस मापित मान यानी मेजरमेंट वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। तो रियल वैल्यू में से जब आप मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सर मेरे पास यहां पे -1 आएगा। अब आप मुझे बताएं कि त्रुटि जो होती है, एरर जो होती है, वो कभी भी प्लस माइनस नहीं होती है, एरर हमेशा एरर ही रहता है। गलती है इसका मतलब गलती है, ना तो ज़्यादा लाना या कम बताना, दोनों ही त्रुटिपूर्ण है। तो अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो अपना जो रिजल्ट है वो -1 आएगा, तो इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए इस संख्या के दोनों तरफ दो खड़ी लाइनें लगाई जाती हैं जिन्हें अपन मोड बोलते हैं। और ये जो मोड है इसका कार्य होता है किसी भी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या के रूप में रूपांतरित कर देना, यानी केवल अपन वहां से माइनस को हटा देते हैं। तो इस केस के अंदर अपने पास जो वैल्यू आई थी, अपन ने 51 -52 इसके दोनों तरफ जब मोड लगाया तो आपके पास वैल्यू मोड -1 आया, और जब आपने मोड अप्लाई किया तो ये वैल्यू आपके पास 1 हो जाती है। तो इस तरीके से अपन किसी भी कैलकुलेशन के अंदर एरर को कैलकुलेट करते हैं। अब जो त्रुटियां हैं वो भी अपनी कई प्रकार की हैं, इन त्रुटियों के प्रकार के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन इन त्रुटियों को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहली है सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि, और दूसरी है रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि। सिस्टमैटिक एरर जो है वो अपने को प्राप्त होती है, वो अपने सामने होती है। सिस्टमैटिक एरर है वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होती है, लेकिन जो रैंडम एरर है वो अपने को पता ही नहीं चलता कि कब अपनी कैलकुलेशन में एरर आ गई। तो जो सिस्टमैटिक एरर है, जिस एरर के होने की संभावना है वो अपने को पहले से पता होती है, तो इस एरर को अपन दूर कर सकते हैं। लेकिन जो रैंडम एरर है, इसके होने या न होने का या इसके क्रिएट होने का, उत्पन्न होने का जब अपने को आभास ही नहीं है तो अपन इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए इस एरर के दोनों प्रकार के बारे में अपन विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन इस सिस्टमैटिक एरर के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जैसे मान लीजिए वजन तोलने की जो मशीन है उसका जो जीरो का नंबर है वो उसमें कोई भी वस्तु जब नहीं रखी होती है तब भी वो 1 किलोग्राम वजन आपको बता रही है। अब यदि कोई लड़का उसके ऊपर बैठता है और उस लड़के का वजन मान लीजिए 52 किलोग्राम आता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि उस लड़के का वास्तविक वजन कितना है? आपको पता है कि मशीन है वो बिना किसी वस्तु की स्थिति में भी 1 किलोग्राम का वजन, 1 किलोग्राम का वजन आपको बताती है। तो इस लड़के का मशीन के द्वारा जो मापा गया मान है वो 52 किलोग्राम है। आपको पता है कि मशीन पहले से ही 1 किलोग्राम का एरर अपने अंदर रख रही है।
तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि उस लड़के का जो वास्तविक वजन है वो आपका 51 किलोग्राम हो जाता है। तो इस तरह की जो त्रुटियाँ हैं उन्हें अपन सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और भी बहुत सारी प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं, इनके बारे में ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अपन रैंडम एरर की। रैंडम एरर का अर्थ है कोई त्रुटि जो अचानक से आ जाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु को तोल रहे हैं, यहाँ पे तोलने का जो एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। आपने देखा होगा कि जो सुनार की दुकान होती है उसमें जो सोना तोलने की जो मशीन है वो चारों तरफ से एक कांच के बॉक्स में बंद होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हवा की वजह से भी किसी भी प्रकार का दाब लग सकता है, यानी थोड़ी सी भी हवा यदि तेज चलेगी तो वो मशीन गलत परिणाम दर्शा सकती है। तो इस तरह से अपन इस बात को समझ सकते हैं कि वायुमंडल के द्वारा अचानक से तापमान का बढ़ जाना, अचानक से ठंडा हो जाना, तेज हवाओं का चलना, इन सब के परिणाम स्वरूप जो एरर आता है उसे अपन रैंडम एरर कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ टेक्निकल एरर्स की, कुछ संख्यात्मक त्रुटियों की जिन्हें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में एवं नीट की जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने पास वास्तविक वैल्यू की। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे आपको वास्तविक वैल्यू दी गई है। यदि मान लीजिए आपको किसी वस्तु की वास्तविक वैल्यू, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान नहीं दे रखा है तो आप वास्तविक मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन सभी त्रुटियों को अपन एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि किसी लड़के का वजन जब तोला गया तो अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त हुए। पहली बार जब आपने तोला तो उसका वजन 50 किलोग्राम, फिर आपने दोबारा तोला तो इसका वजन 50.5 किलोग्राम, फिर आपको अगेन 50 किलोग्राम, फिर आपको 49.5 किलोग्राम का वजन प्राप्त हुआ। अब आप मुझे बताएं इन सभी पाठ्यांकों के आधार पर आपको उसका वास्तविक जो मान है वो पहले से पता नहीं है, फिर भी आपको इसका वास्तविक द्रव्यमान पता करना है तो कैसे करेंगे? सर एक काम करते हैं, इन सभी वैल्यूज का एवरेज ले लेते हैं, औसत मान निकाल लेते हैं। तो जो भी रीडिंग्स आपके पास, जो भी पाठ्यांक, जो भी आंकड़े आपके पास हैं उनको आधार मान करके जब आप उनका औसत मान निकालेंगे तो आपको उसकी वास्तविक वैल्यू, उसकी रियल वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक वस्तु है, उस वस्तु का पहला द्रव्यमान A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, और इस तरह से होते हुए मैंने N बार उसका पाठ्यांक लिया तो अलग अलग आंकड़े मुझे प्राप्त हुए, कई बार डाटा सेम भी प्राप्त हुए। तो अब इसकी जो वास्तविक वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। उन सब राशियों को ऐड करेंगे और उनका जितनी बार ऐड करेंगे उतनी बार से उसको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे अभी अपने जो एग्जांपल लिया था उन सभी संख्याओं को अपन ऐड करेंगे, कितनी बार उन संख्याओं को लिखा गया है उसी संख्या से उसका भाग लगा देंगे तो आपको एवरेज वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसे अपन इसका वास्तविक मान कहते हैं। अब इस पूरी संख्या को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे अपन ने एवरेज कहा है, आपने इन सब संख्याओं को प्लस किया है तो प्लस करने के लिए आपने यहाँ पे एक सिग्मा का चिन्ह लगाया है। यह सिग्मा का चिन्ह प्लस करने को, योग करने को प्रदर्शित कर रहा है। किसका योग करना है? ए का योग करना है। लेकिन ए की जो वैल्यू है उसमें आपने कई बार A1, A2, A3 लिखा है तो यहाँ पे अपन लगाएंगे I। और I का मतलब क्या है? I की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के N तक चल रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। यानी जब आप I की जगह 1 रखेंगे तो ये A1 बन जाएगा, I की जगह 2 रखेंगे तो A2 बन जाएगा, इसी प्रकार से A3, और इसी प्रकार से कहाँ तक चलना है? N तक चलना है तो ये AN बन जाएगा। और ये जो सिग्मा का चिन्ह है वो इन सब के प्लस को प्रदर्शित
कर रहा है। इसके बाद में आपको यहाँ पे n से डिवाइड भी करना है, तो n से डिवाइड करने के लिए इसके साथ में अपन 1/n भी लिख देंगे। तो ये जो है इसको सॉल्ट लिखने का तरीका है। इस तरीके से अपन उसके वास्तविक मान को कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अपने पास जो सबसे पहली त्रुटि आती है उसे अपन निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, इसे कैसे निकालेंगे? चलिए, इसके लिए अपने को सबसे पहले वस्तु का वास्तविक मान पता होना चाहिए। परिभाषा लिखते हैं, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, रियल वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? सवाल में दे तो रखी नहीं है, कैसे निकालेंगे? सर, उन सभी संख्याओं का एवरेज निकाल करके जो रिजल्ट आएगा उसे अपन वास्तविक वैल्यू कह देंगे। तो एक तो आपके पास उन सभी आंकड़ों से वास्तविक वैल्यू आ जाएगी, फिर उनका जो प्रेक्षित मान है, प्रेक्षित मान का मतलब है कैलकुलेशन करने पर, तोलने पर, मशीन के द्वारा बताया गया जो मान है, मापित मान भी इसे अपन कह सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू जो है, इन दोनों का जो अंतर है उसे अपन परम त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान और मापित मान का, प्रेक्षित मान का, यानी रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, हर एक आंकड़े के लिए आपको एब्सोल्यूट एरर प्राप्त होने वाली है। तो आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर आएगी उसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा ए से प्रदर्शित करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास अलग अलग आंकड़े A1, A2, A3, AN दे रखे हैं। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? इसका वास्तविक मान। तो मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका अपने पास है। तो इस तरीके से अपने पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को क्या निकालनी है? परम त्रुटि निकालनी है। तो परम त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे? मीन वैल्यू माइनस पहला पाठ्यांक, पहली बार जब आपने रीडिंग ली जो आपको रिजल्ट मिला उन दोनों का डिफरेंस। और अभी अपन ने बात करी थी कि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसके बाहर क्या लगा देंगे? मोड लगा देंगे। तो ये आपके पास केवल पहले पाठ्यांक की निरपेक्ष त्रुटि आई है। इसी प्रकार से आप दूसरे पाठ्यांक की भी निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। चलिए यहां समझते हैं परम त्रुटि। तो सबसे पहले आप लोगों ने एवरेज वैल्यू निकाली, एवरेज वैल्यू को आपने AM से लिख दिया। इसके बाद में आपने उस एवरेज वैल्यू में से पहला पाठ्यांक घटाया, पहला पाठ्यांक घटाया तो जो आपके पास अंतर आया उसको अपन पहले पाठ्यांक की परम त्रुटि कहेंगे। उसके बाद फिर आप एवरेज वैल्यू लेंगे और उसमें से जो दूसरा पाठ्यांक है उसको माइनस कर देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको अपन दूसरे पाठ्यांक की परम त्रुटि कहेंगे, और इसी क्रम के अनुसार अपन चलते जाएंगे। सर, अभी आपने बताया कि 50 में से जब अपन ने 49 घटाया तो 1 आ गया, लेकिन 50 एवरेज वैल्यू में से जब 51 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। इस माइनस को हटाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर मोड लगा करके लिख सकते हैं, या फिर अंत में आप एक लाइन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? परम त्रुटि का मान पॉजिटिव अथवा नेगेटिव हो सकता है, परंतु इसका परिणाम, इसका जो प्रभावी मान है, इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर ये प्लस और माइनस में हो सकती है, लेकिन इसका जो परिणामी मान है वो मोड लगा करके लिखा जाता है, जो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके ऊपर डिपेंडेंट एक संख्यात्मक प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी प्रकार की त्रुटि की चर्चा करते हैं, जिसे माध्य परम त्रुटि के नाम से जाना जाता है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अब आप क्रमागत रूप से अनेक त्रुटियों की चर्चा करेंगे, इसमें एक विशेष बात यह है कि पहला स्टेप यदि आपका क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पहला स्टेप अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन परम त्रुटि निकालना सीख चुके हैं। इसके बाद में बात करते हैं माध्य परम त्रुटि। माध्य का मतलब आपको सीधा समझ में आ रहा है, एवरेज वैल्यू लेनी है। किसकी एवरेज लेनी है? आपको परम त्रुटि जो आपने कैलकुलेट करी है उसी का एवरेज वैल्यू लेना है।
तो क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन में? यहाँ पे अपन इसके डेफिनेशन में लिखा है सभी परम त्रुटियों के परिमाण का औसत मान या फिर माध्य मान, माध्य परम त्रुटि कहलाता है। यानी जितनी भी परम त्रुटियां आपने निकाली हैं उन सबका एवरेज लेना है। पहली परम त्रुटि को आपने किससे लिखा? डेल्टा ए वन, और मोड लगाने का अर्थ क्या था? माइनस हटाना। उसके बाद में दूसरी जो परम त्रुटि थी उसके बारे में आपने डेल्टा ए टू लिखा। इसी प्रकार से सभी आंकड़ों की परम त्रुटियां निकाली, उन सभी परम त्रुटियों का योग किया और राशियों की संख्या का उसमें भाग लगा दिया। तो इस प्रकार से अपन सभी परम त्रुटियों का योग कर उनका जब औसत निकालेंगे तो उसे अपन माध्य परम त्रुटि कहते हैं। और जिस तरह से अपने पहली कक्षा में इसे पिछले वाले पॉइंट में समझा था, ठीक उसी तरीके से आप इसको भी शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। दो तरह की अपनी त्रुटियां यहां पे कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि का जो अर्थ है इसे अपन और भी नामों से जानते हैं, सापेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। क्लियर है? तो अब अपन बात करेंगे रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर के यहां पर अंदर अपने को समझना है, सापेक्ष त्रुटि का मतलब है किसी दूसरी त्रुटि को आधार मान करके पढ़ना। अब यहां पे अपन आधार किसको मानेंगे? यहां पे अपन जो वास्तविक वैल्यू है उसको आधार मान करके चलेंगे। अभी आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी? आपने माध्य परम त्रुटि निकाली है, तो आपको क्या करना है? माध्य परम त्रुटि जो निकाली है उसका रिजल्ट लेना है। और सबसे पहले आपके पास एवरेज वैल्यू आई थी जिसे आपने वास्तविक मान कहा था। क्लियर है? तो माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान दोनों का यदि अनुपात अपन लेंगे तो उसे अपन सापेक्ष त्रुटि कह सकते हैं। तो यहां पे अपन ने सापेक्ष त्रुटि की जो परिभाषा है वो कुछ इस तरह से लिखी है कि माध्य परम त्रुटि तथा वास्तविक मान का अनुपात, एक माध्य परम त्रुटि जो अपन ने निकाली है और एक वास्तविक मान जो सबसे पहले एवरेज निकाला था, इन दोनों का जो अनुपात है उसे अपन सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मेट में कुछ इस तरह से लिखेंगे, सापेक्ष त्रुटि को अपन निकालने के लिए माध्य परम त्रुटि लिखेंगे ऊपर और नीचे एवरेज वैल्यू का भाग लगा देंगे। अपने पास यहाँ पे सापेक्ष त्रुटि प्राप्त होती है। सापेक्ष त्रुटि जो है वो अपने पास मात्रकहीन राशि होती है। मात्रकहीन क्यों कहेंगे? क्योंकि ऊपर भी आपने वैल्यू ले रखी है, नीचे भी वैल्यू ले रखी है। यदि आप द्रव्यमान नाप रहे हैं तो दोनों में किलोग्राम लगेगा, लंबाई नाप रहे हैं तो दोनों में मीटर लगेगा। मात्रक से मात्रक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सापेक्ष त्रुटि है वो मात्रकहीन राशि प्राप्त होती है। इसके बाद में अगला स्टेप अपने सामने आता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि के अंदर जैसा अभी मैंने आपसे कहा था, हर एक बाद में आने वाला स्टेप पहले वाले स्टेप से संबंधित है। तो प्रतिशत त्रुटि के अंदर अपने को क्या करना है? जो आपने यहाँ पे सापेक्ष त्रुटि निकाली है, सापेक्ष त्रुटि का जो कुछ भी मान है उस सापेक्ष त्रुटि के मान को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। और अब सापेक्ष त्रुटि को क्या लिख सकते हैं? अभी अपन ने पढ़ा है माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात। माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान का जो अनुपात है उसे अपन सापेक्ष त्रुटि कह सकते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, तो ये अपने पास प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। देखिए, ये जो आपके पास परम त्रुटि है, माध्य परम त्रुटि है, सापेक्ष त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि है, निश्चित रूप से यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इस तरह से अपन इन सभी प्रकार की त्रुटियों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब अपने को इन सभी त्रुटियों के ऊपर डिपेंडेंट जो संख्यात्मक प्रश्न हैं, सवाल हैं, वो अपने को पढ़ने चाहिए। किस तरह से अपन इस प्रकार की त्रुटियां कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए आप लोगों की पाठ्य पुस्तक है, NCERT की बुक है, RBSC की बुक है, विभिन्न प्रकार की जो पाठ्यक्रमों की पुस्तकें हैं उन सब में
उदाहरण और आंकिक प्रश्न दे रखे हैं, सभी प्रश्नों को आपको हल करना चाहिए। चलिए आज की कक्षा में अपन केवल इतना ही पढ़ेंगे, अगली कक्षा में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप तैयारी कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।